स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल विकल टीवी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो बड़ा बदलाव हुआ है उसी के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो न्यू अपडेट आया है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन, अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे कर्सर ले जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किस स्टेट का लाइसेंस है या किस स्टेट के लाइसेंस एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली स्किप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आता है। अब यहाँ पे आधार नंबर वाला जो सर्कल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी हमने डाल दिया है। अब इन बॉक्सेस पे क्लिक कर लेंगे और ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आधार की डिटेल ओपन होके आ जाती है। एप्लीकेंट नेम दिख जाएगा, रिलेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे फोटो दिख जाएगा, आधार में जो फोटो वो दिख जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लाइसेंस इशू डेट डाल देंगे, किस डेट में लाइसेंस इशू हुआ है, डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक आधार से ही आ जाएगी, जैसे आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है सेम ऐसी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके लाइसेंस में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो यहाँ से आप मोबाइल अपडेट नहीं कर सकते। चाहे आप लर्निंग लाइसेंस में करना चाहते हो या ड्राइविंग लाइसेंस में करना चाहते हो या कंडक्टर लाइसेंस में करना चाहते हो तो यहाँ से आप मोबाइल अपडेट नहीं कर सकते। मोबाइल आप इस पोर्टल से अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। तो आपके आधार में और ड्राइविंग लाइसेंस में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर सेम है तो तभी आप यहाँ से मोबाइल अपडेट या चेंज कर सकते हैं। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस में मोबाइल चेंज या अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइसेंस इशू डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ था। यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक आधार से आई जाएगी और सबमिट पे क्लिक करके आपका चेंज के लिए प्रोसीड कर सकते हो। वहीं अगर कंडक्टर लाइसेंस में करना चाहते हो तो कंडक्टर लाइसेंस यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, लाइसेंस इशू डेट डाल दीजिएगा, कंडक्टर लाइसेंस नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड आप कर सकते हो। जैसे अभी हम जो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें नंबर चेंज करना चाहते हो, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस इशू डेट डाल देंगे, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आई गई है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अभी के टाइम में अगर आपके आधार में और लाइसेंस में सेम डेट ऑफ बर्थ है तभी आप यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और मोबाइल भी आपका वही अपडेट होगा जैसा आपके आधार में मोबाइल नंबर, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर है उसी को आप ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरा मोबाइल ऐड यहाँ से नहीं कर सकते। तो सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। लाइसेंस नेम, फादर नेम, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख जाएगी। और अगर पहले से कोई मोबाइल लिंक है वो मोबाइल यहाँ पे दिख जाएगा, अगर कोई भी मोबाइल लिंक नहीं है तो ब्लैंक यहाँ पे दिखेगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो आधार में मोबाइल नंबर है वो मोबाइल यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद सेम वो मोबाइल दोबारा से यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, आखिर आप क्यों मोबाइल चेंज या अपडेट करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपके लाइसेंस में पहले से कोई मोबाइल नहीं था तो यहाँ पे आप डाल सकते हो मोबाइल वाज नॉट लिंक फ्रॉम DL या 2DL, इस तरीके से आप डाल सकते हो। या फिर पहले से कोई मोबाइल ऐड हो रखा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो आई वॉन्ट टू चेंज मोबाइल नंबर, सिंपली इस तरीके से डाल सकते हो। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब इस मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। अब इस तरीके से आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता सक्सेसफुली अपडेटेड लाइसेंस नंबर इज विद मोबाइल नंबर इज। तो इस तरीके से आप मोबाइल अपडेट या चेंज या लिंक या ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी देखना चाहते हो तो लाइसेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। चैनल्स की बात करें तो ये हमारा अदर चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब आप कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो इस चैनल पे हम ओनली लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आप इन्हें चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।